what are the signs of a foolish person? Hum same action lete hain, lekin alag result expect karte hain. Ye ek bahut bada sign hai ek bewakoof aadmi ka, ek bewakoof insaan ka, ki wo same actions ko bar bar repeat karte rehte hain, but expect karte hain ki result ab ki baar kuch alag aa jayega. Jaisa karoge waisa hi aayega. इस बात को बारीकी से समझना होता है. दिस इज द साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन. कि उसको समझ आना चाहिए कि अगर मैंने कुछ नहीं बदला तो कुछ नहीं बदलने वाला. ऐसा बहुत लोग नहीं करते हैं, इल्यूजन्स में जीते हैं. मान लो कोई बिजनेस ट्राई किया करने का और वो फेल हो गया, तो बजाय ये सोचने के कि वो क्यों फेल हुआ, अगली बार दोबारा से मेरी वीडियोस लगा ली, चार्ज अप हो गए कि तुझे करना है. चार्ज अप होते चले जा रहे हैं, अपनी एनर्जी को बढ़ाते चले जा रहे हैं, दोबारा ट्राई कर रहे हैं एक और बिजनेस करने का, वहां भी फेल हो रहे हैं. तीसरी बार कर रहे हैं, वहां भी फेल हो रहे हैं. चौथी बार कर रहे हैं, वहां भी फेल हो रहे हैं. हर बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं इस बार तो पता नहीं क्या हो जाएगा. गड़बड़ क्या हो रही है कि वो अपने एक्शंस को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं. वो ये नहीं देख रहे हैं कि हम क्या गलती कर रहे हैं बार बार, मतलब सेम गलती को बार बार रिपीट करना, ये बेवकूफी की निशानी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ उल्टा सीधा खाने की आदत पड़ी हुई है, तो जब तक वो खाते रहोगे बॉडी में गड़बड़ होती रहेगी. अब जितनी मर्जी दवाइयां खा लो उससे कुछ नहीं होने वाला, टेम्पररी बेसिस पे ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तक वो खाते रहोगे तब तक गड़बड़ होती रहेगी. तो हमको क्या चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे? सर, एक्शन. अपने एक्शंस को, यानी अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, या ये कह लो अगर इसको एक वर्ड में बोला जाए, अपनी हैबिट को चेंज करना पड़ेगा. लेकिन कभी भी एक्चुअल में हम खुद की आदतों को बदलने के ऊपर काम नहीं करते हैं, क्योंकि खुद की आदत को बदलने का मतलब क्या? एक बहुत बड़ा पेन और एक बहुत बड़ा एफर्ट. एक्चुअल में अगर एफर्ट, अगर आप ध्यान से समझोगे एफर्ट की डेफिनेशन, वो क्या है अगर अपनी आदतों को बदलना नहीं है तो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल फिटनेस है तो ईटिंग हैबिट्स ऐसी होनी चाहिए विच गिव्स यू फिटनेस. तो पहला साइन हमको क्या मिला? कि हम सेम एक्शंस ले रहे हैं लेकिन डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये है पहला. दूसरा क्या है? कि हम एक्शंस तो ले रहे हैं बट सही डायरेक्शन में नहीं ले रहे हैं. अब सही डायरेक्शन में क्यों नहीं लेते हम एक्शंस? ध्यान से सुनना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे फंडा क्लियर होगा. कुछ लोगों के अंदर ना करने का कीड़ा होता है. Yes. वो जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव होते हैं. Yes. और उसमें कहीं ना कहीं मेरी भी वीडियोस रोल प्ले कर रही होती है. Yes. मेरी कुछ वीडियोस देख ली ऊपर ऊपर से, डीपली नहीं समझा. क्योंकि एक है उसकी डेप्थ को आप समझने की कोशिश करो, उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा. लेकिन नहीं, ऊपर ऊपर से वीडियोस देखी या और कोई मोटिवेशनल वीडियोस देखी या थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ी, बस चार्ज्ड अप हो गए हैं एक्शन लेने के लिए. फॉर एग्जांपल, एकदम से कोई वीडियो देखी और जिम जाने के लिए चार्ज्ड अप हो गए हो, और एकदम से गए जा करके 50 किलो उठाया, उसके बाद में हो गई स्लिप डिस्क, उसके बाद 5 साल के लिए बिस्तर पे पड़े हुए हैं. आप अभी हंस रहे हो, ऐसे बहुत लोग हैं. अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना आंखें खोल करके, आपको नजर आ जाएंगे ऐसे लोग. तो मैं आपको अपने एक दोस्त का एग्जांपल देता हूं, उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि हो सकता है वो वीडियो देख ले. इसे देखता नहीं है. वो कहावत सुनिए ना, घर की मुर्गी. हाँ, अब उस बंदे की क्या बात है जो मैं सेकंड साइन की बात कर रहा हूं? वो क्या है कि हम एक्शंस तो बहुत ले रहे हैं, बहुत बड़े लेवल के एक्शंस ले रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे हैं. ऐसा क्यों होता है? ध्यान से समझना. वो जो एक्शंस है वो सही डायरेक्शन में नहीं है. अब वो सही डायरेक्शन में क्यों नहीं है? क्योंकि हम एरोगेंट हैं. दिस एरोगेंस इज द साइन ऑफ अ फूलिश पर्सन. ये डायलॉग आपने सुना होगा, मुझे मत बताओ मुझे पता है. बड़ा कॉमन डायलॉग है. इनफैक्ट ये जो मैं अपने दोस्त की बात कर रहा हूं उसमें इतनी पॉजिटिविटी है, आप मेरी जो पॉजिटिविटी है उसको मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर दो. इतना पॉजिटिव है वो बंदा, मतलब जब भी उससे बात करो, यार संदीप तू देखना मैं ये करूंगा. मैं कहा भाई तूने तो मुझे भी चमका दिया, इतना कुछ करने वाला है तू. और वो बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है. इनफैक्ट जो था वो भी सब हाथ से गया, उसके ऊपर लोन आ चुका है, बहुत बड़े अमाउंट का लोन. और जब वो बिजनेस कर रहा था तब मुझे साफ नजर आ रहा था कि वो बिजनेस फेल होने वाला है. सर आपने बताया, मैंने पूरी कोशिश करी बताने की, लेकिन उसका इंटरेस्ट ही नहीं था सुनने में, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव था और उसको पता था कि वो क्या कर रहा है, जबकि एक्चुअल में उसको नहीं पता क्योंकि उसका बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था.
बट उसको ये गलत फहमी हो गई कि मुझे पता है. दिस इज अ वेरी बिग ट्रैप. हमें ये नहीं पता है कि कहां दिमाग को खुला रखना है और कहां बंद करना है. मतलब ये जो दूसरा साइन है वो क्या है फुलिशनेस का, दिमाग बंद हो जाए वहां पर जहां पर दिमाग खुला होना चाहिए. जहां पर हमें सीखना है वहां पर जाकर के हम बोल दें कि हमें तो पता है, तो कोई क्यों आपको कुछ बताएगा. जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था तो मुझे कोई भी मिल जाता था ना जो बिजनेस में एक लेवल पे है, तो मैं उसको पकड़ करके बैठ जाता था जब तक कि वो बंदा पक ना जाए पूरी तरीके से. जब तक वो ये ना बोल दे कि बस भाई बहुत हो गया अब तू जा भाग यहां से, उसको पकड़ के बैठा रहता था, उससे पूछता रहता था. अच्छा ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, मैं ये कर रहा हूं, ये ठीक है, ये नहीं है, ये ऐसे है, वैसे है, ये वो. और जो भी वो वहां पे उस डिस्कशन में जो भी होता था, वहां से जो मैं सीखता था, आकर के फटाफट से एक पेपर पेन लेकर के लिखता था कि आज मैंने इस कॉन्वर्सेशन से क्या सीखा, और जो भी मेरा प्लान होता था उसमें चेंजेस करता था, तब जाकर के सक्सेस मिली. एक है रियलिटी, एक है आपका बिलीफ. आपका बिलीफ क्या कह रहा है कि नहीं मुझे पता है कि मैं सही ट्रैक पे हूं. आपको पता है कि आप सही ट्रैक पे हो या आप एक्चुअल में सही ट्रैक पे हो? आपको ऐसा लगता है या आप एक्चुअल में सही ट्रैक पे हो? ये कैसे पता लगता है? किसी ऐसे बंदे से इंटरेक्ट करके जो उस रास्ते पे चल चुका है. यानी जंगल में आप कोई रास्ते पे भटक रहे हो तो पता कैसे लगेगा कि आप सही ट्रैक पे हो? जब ऐसे किसी बंदे से आप बात करोगे जो वहां के सारे रास्तों को जानता है, उससे इंटरेक्ट करोगे तब पता लगेगा ना. उससे इंटरेक्ट क्यों करोगे? जब आपको खुद पे डाउट होगा तभी तो पूछोगे. व्हेन यू आर श्योर कि नहीं मुझे तो पता है मैं जो कर रहा हूं वो सही है, तो क्यों पूछोगे? बहुत लोग नहीं पूछते हैं. इसको ईगो बोलते हैं, इसको एरोगेंस बोलते हैं कि ये मुझे क्या सिखाएगा, ये मुझे क्या बताएगा, ये कौन होता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता, मैं जो करूंगा वो खुद करूंगा. ये बेवकूफ लोगों की निशानी है. इसको हम स्ट्रेंथ समझते हैं जबकि ये वीकनेस है. ये मैं वो, ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये वीकनेस है. और जिसको हम वीकनेस समझते हैं वो स्ट्रेंथ है. वीकनेस हम किसे समझते हैं? कि हमें खुद पे डाउट हो रहा है कि यार मुझे नहीं पता मैं क्या करूं. मतलब जो एक्चुअल में बेवकूफ लग रहा है वो समझदार है, वो बेवकूफ नहीं है. बेवकूफ कौन लग रहा है? जो बेवकूफ बन करके बैठा हुआ है और पूछ रहा है, सबसे जाकर के कोई ना कोई सीख रहा है. तो जो भी सीख रहा होता है या जो पूछ रहा होता है वो तो बेवकूफ ही लगेगा ना. जो बता रहा होता है वो बड़ा समझदार लगता है. इफ यू कैन ऑलवेज बी इन दिस स्टेट कि मुझे कुछ नहीं पता है, तो आप समझदार हो या बेवकूफ हो? क्योंकि जो आपको पता है वो तो आपसे कोई ले ही नहीं सकता ना. क्या वो लेने का कोई तरीका है? क्या आपके माइंड में जो ऑलरेडी आपकी नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस है, उसको निकालने का कोई तरीका है? कोई तरीका नहीं है. तो जो आपको पता है वो तो पता ही है, बट आप यहां पे नहीं जी रहे हो जो आपको पता है. क्योंकि जो पता है वो इतना सा है. इस यूनिवर्स में जितनी नॉलेज है, जितना कुछ जानने के लिए है, उसमें से कितना जानते हो आप? बहुत कम. लेकिन अगर आपको इल्यूजन हो जाए कि हाँ मुझे सब पता है, तो फंस गए ना, बस वहीं पे जियोगे, वहीं पे मरोगे, ग्रो करना बंद कर दोगे. तो आप क्या कर सकते हो? नंबर वन, जो भी अंदर नॉलेज पड़ी हुई है उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा दो. पता नहीं जो मुझे पता भी है वो सही भी है या नहीं है. दिस इज द साइन ऑफ इंटेलिजेंस. अगर आपको अपनी बेवकूफी के बारे में पता लग जाए ना, तो ये समझदारी की निशानी है, ये बेवकूफी नहीं है. बहुत समझदार लोग होते हैं जिनको पता होता है कि मैं कहां पे बेवकूफियां कर रहा हूं. इंटेलिजेंस को बढ़ाने का यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है. सारे फंडे हिल जाते हैं अपने, मतलब हमारे अपने जो फंडे होते हैं वो सारे हिल जाते हैं. और जितने आपके फंडे हिल रहे हैं आप समझ जाओ उतने ही समझदार हो. और जितने आपके फंडे नहीं हिल रहे हैं, कुछ मान लिया है, कुछ पकड़ के बैठे हुए हो और बस उसी को तोते की तरह बड़बड़ बड़बड़ किए चले जा रहे हो, उतने ही आप बेवकूफ हो. इसको कह सकते हैं कि दिमाग बंद है, यानी दिमाग खुला नहीं है नई इंफॉर्मेशन के लिए. जो अंदर जो पड़ा हुआ है उसको चेंज करने के लिए तैयार नहीं है. ये हो गया दूसरा. तीसरा साइन क्या है? दिमाग खुला हुआ है. ध्यान से सुनना, थोड़ी अटेंशन को बढ़ाना, क्योंकि हमारा माइंड कैसे चलता है, दिस इज अगेन द साइन ऑफ अ फूलिश पर्सन. हम आइदर और में छलांग मारते हैं. जैसे ही मैंने कहा कि दिमाग बंद है, ये साइन किसका है? एक फूलिश पर्सन का है. तो इसका मतलब क्या निकाला हमने फटाफट से? दिमाग खुला होना चाहिए. अगर आपका दिमाग खुला हुआ है तो वो भी साइन है एक फूलिश पर्सन का, क्योंकि जब दिमाग खुल जाता है तो ब्रेन बाहर गिर जाती है.
दिमाग खुला पड़ा है, मतलब अंदर कुछ भी कचरा जा सकता है। जैसे जब खाते हैं, मैं आपको उससे एग्जाम्पल देता हूँ, उसी से माइंड क्लियर होगा। जब हम खाते हैं तो वहां पे सेल्फ कंट्रोल होना जरूरी है या नहीं है? सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या है? कि आप कुछ भी ना खाओ या फिर जो भी आ रहा है वो खाने लग जाओ, जरूरी है वो कचरा भी खा जाओ। तो सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या है? जो अच्छा है वो खाओ, कुछ खाओ और कुछ नहीं खाओ। क्या खाओ? अच्छा, जो खाना चाहिए, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। और क्या मत खाओ? जो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। सिंपल है ना? ऐसे ही माइंड के बारे में है। दिमाग कैसा होना चाहिए? दिमाग एक ऐसी जगह आनी चाहिए जहां पे खुल जाना चाहिए पूरी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आप कर रहे हो उससे रिलेटेड कोई पर्सन आपको मिलता है तो वहां पे दिमाग बंद होना चाहिए, खुल जाना चाहिए। उससे फालतू की बातों में टाइम खराब करना चाहिए, या जो आप करने वाले हो या जो आप कर रहे हो उससे रिलेटेड बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें उसको एक्सपीरियंस है। चाहे वो उसमें सक्सेसफुल हुआ है चाहे फेल हुआ है, बट उसको एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है वो बंदा टॉपिक को घुमाएगा, वो इधर उधर की बातें करेगा, लेकिन आपको क्या करना है? बार बार उसको उस टॉपिक पे लेकर के आना है। यानी आपको जो भी उसको पता है, जो भी उसका एक्सपीरियंस है, उससे कुछ ना कुछ सीखना है। तो यहां पे क्या होना चाहिए? दिमाग खुल जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई फालतू की बातें कर रहा है बंदा, जिसका कोई सर पैर नहीं है, हवा में आकर के कुछ भी आपको बोल रहा है, तो वहां पे क्या होना चाहिए? दिमाग खुला होना चाहिए, ताकि वो अंदर चला जाए और उसके हिसाब से एक्शन होने लग जाए। ये दिमाग बंद हो जाना चाहिए। तो ना बंद दिमाग अच्छा है, ना खुला दिमाग अच्छा है। कहीं पे दिमाग खुला होना चाहिए, कहीं पे बंद होना चाहिए। एक बेवकूफ इंसान की क्या निशानी है? ध्यान से ऑब्जर्व कर लेना। अब ये जो बातें मैं बता रहा हूं ना, ये जो साइंस को, अब आप कोई भी जो आपके माइंड में, मेरे को पता है ऑलरेडी कुछ ना कुछ लोग घूम रहे होंगे, कुछ ना कुछ शक्लें घूम रही होंगी, उनको इमेजिन करना, आप देखना उनके अंदर साइंस है या नहीं है। सबसे पहला साइन, अपनी आदतों के हिसाब से चलते चले जाते हैं लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ अलग हो जाएगा। दूसरा, जहां पे दिमाग खुला होना चाहिए, जहां पे सीखना है वहां पे उनका दिमाग बंद होता है। नंबर तीन, जहां पर क्वेश्चन करना है वहां पे वो मान लेते हैं फटाफट से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुछ अंधविश्वास की बातें हैं, ये बेवकूफ लोगों की निशानी है। कोई भी आकर के कुछ भी बोल देता है, अरे वो छोड़ो, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ जाता है कि ये तेल लगाना बालों के लिए बड़ा अच्छा होता है, बाल उग जाते हैं। आप देखोगे एक घंटे के अंदर अंदर वो तेल भी आ जाएगा कहीं से, मार्केट से, और वो बंदा तेल लगा रहा है बैठा बैठा। ये बेवकूफ इंसान की निशानी है कि मतलब समझा ही नहीं उसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस है या नहीं है, समझा ही नहीं कि क्या ये लॉजिकल है या नहीं है, बस एक्ट किया फटाफट से बिना सोचे समझे, किसी ने भी कुछ भी कहा और मान लिया, यानी ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया। ऐसे लोग आपको ज्यादातर लाइफ में रोते हुए मिलेंगे, जो बेवकूफ लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़ी जल्दी किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? जल्दी किसी से भी मिलते हैं उस पर ट्रस्ट क्यों कर लेते हैं? किसी ने कुछ भी कहा मान लिया। क्यों? क्योंकि अगर नहीं मानेंगे तो उनको दिमाग लगाना पड़ेगा ना। दिमाग लगाना मतलब एफर्ट नहीं करना, तो लेजी है। बेवकूफी में और लेजीनेस में ज्यादा फर्क नहीं है। बेवकूफ लोग आपको लेजी मिलेंगे और लेजी लोग बेवकूफ मिलेंगे। लेजी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल लेजीनेस, आई एम टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिकल लेजीनेस। तो द साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन इज दैट यू मस्ट क्वेश्चन एवरीथिंग, जो भी यहां अंदर पड़ा हुआ है, जो भी अंदर कुछ कचरा कोई घुसाने की कोशिश कर रहा है। नहीं तो कोई भी कुछ भी घुसा देगा आपके दिमाग में और आपको पता भी नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई आकर के आपको बोल रहा है कि मैं तेरा वेल विशर हूं, कि अरे तू तो मेरा भाई है, तू तो ये है वो है, हम तो वही ये वो ये, और आपने उस पर ट्रस्ट कर लिया, जबकि करना क्या था वहां पर? कोई भी बंदा, मान लो वो आपको जानता तक नहीं था चार दिन पहले तक, ये एकदम से नया मेरा भाई उठ करके कहां से आया, क्वेश्चन नहीं करना चाहिए वहां पे? उसका क्या मोटिव है? क्यों मेरा भाई बन रहा है और इसको चाहिए क्या है? उस समय हमने ये सब नहीं किया, क्या किया? उस पर विश्वास कर लिया, ट्रस्ट कर लिया। फिर क्या हुआ? जो भी हमारी सेविंग्स थी लाइफ की, वो उठा करके हमने उसको दे दी। फिर क्या हुआ? वो सारा का सारा पैसा गया। अब ये बेवकूफ आदमी बैठा हुआ पूरी जिंदगी के लिए रो रहा है कि उसने मुझे बेवकूफ बना दिया। कोई बना कैसे सकता है किसी को बेवकूफ? तू बेवकूफ है। ये अभी आप हंस रहे हो, लेकिन इंडिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये सब हो रहा है और हो चुका है। यानी कोई भी आया, उसने आकर के कुछ भी बोला और हमने एक्सेप्ट कर लिया बिना उसको क्वेश्चन करे,
उसकी बात मान ली और फंस गए और अब रो रहे हैं। अब मैं एक लाइन के अंदर अंदर इसको तीनों पॉइंट्स को समअप कर देता हूं। पहला साइन क्या है बेवकूफ इंसान का? सेम एक्शन बट एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट। सेकंड, एरोगेंस, ईगो। तीसरा साइन क्या है? जहां पे आपको क्वेश्चन करना है वहां पे क्वेश्चन ना करना, यानी कि ब्लाइंडली ट्रस्ट करना। ठीक है, यू गॉट द आंसर? चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जी।